रोहित चौधरी जी से, जो डगर टू से हैं, फिल्म से, मूवी से, वो आए और इस मौके पे कुछ कहें। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, जोली जी का शुक्रिया अदा करता हूं मुझे इनवाइट करने के लिए, और पूरे बॉलीवुड की तरफ से देवानंद साहब के 100वें जन्मदिन पे उनको उनके जन्मदिन पे नमन करता हूं। तो देवानंद साहब हमारे दिलों में थे, हमारे दिलों में हैं और हमारे दिलों में रहेंगे। तो ऐसा ही कुछ डायलॉग हमारे गदर 2 में आपने सुना होगा, गदर 1 में सुना होगा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। तो देव साहब का भी ऐसा ही मैं समझता हूं, आप लोग भी ऐसा ही समझते होंगे, क्योंकि देव साहब जो है आज भी करोड़ों लोगों के दिलों पे राज करते हैं। जहां जाते हैं थे वहां पे अपने छाप छोड़ देते थे लोगों के दिलों में। आज 100वें जन्मदिन पे विजय जोली जी ने ये प्रोग्राम रखा है। मैं स्पेशली बॉम्बे से कल रात को फ्लाइट लिया, जोली जी से 3-4 दिन से बात हो रही थी मेरी कि भाई साहब मैं मुश्किल है, मेरा थोड़ा मुश्किल है, बट फाइनली ऊपर वाले ने ऐसा किया कि मेरा 2 दिन बाद शूट था और मेरा आना हो गया, और रात की फ्लाइट से मैं जोली जी के कहने पे यहां पहुंचा। तो आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं मुझे बुलाने के लिए, और देव साहब को पूरे बॉलीवुड की तरफ से एक बार फिर पुनः नमन करता हूं। ऐसी हस्तियां बार बार नहीं आती, और आज के देवानंद मैं ऐसा मानता हूं, मेरा पर्सनल ऐसा मानना, हो सकता है आप भी मानते हो, आज के देवानंद जो है वो मोदी जी हैं, जिनको लोग याद रख रहे हैं, रखते रहेंगे और रखते थे। गुजरात से लेके हिंदुस्तान की गवर्नमेंट पे राज कर रहे हैं, जिस देश में जाते हैं वहां के लोगों पे, वहां के गवर्नमेंट पे अपनी छाप छोड़ के आते हैं। तो वैसे ही देव साहब थे, और आज के देव जो मैं ऐसा समझता हूँ मोदी जी हैं। अच्छा, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे एक ही चीज बोली जाती है कि गदर का विलन आ गया। तो दोस्तों, पर्दे पे मैं विलन हूं, किरदार भरे ही मेरा उस पार का है, दिल मेरा पूरा हिंदुस्तान का है। तो एक बार आप सब मेरे साथ बोलेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। थैंक यू, लव यू सो मच।